हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु राज्य को भी आधार बताया गया था? आपके ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, पी रथिनाम बनाम भारत संघ। देखिए, जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार मानते हुए कहा कि अनुच्छेद 30(1) न तो आत्यंतिक है और न ही विधि से ऊपर है। देखिए, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु दो आधार बताए गए थे, वो एक था राष्ट्रीय और दूसरा था प्रांतीय। देखिए, यह अभी चर्चा में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की संवैधानिक वैधता को रखते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों के विनियमन से संबंधित निर्णय लिया है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त तथा सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक आयोग द्वारा की जाएगी जिसका निर्णय बाध्यकारी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और इसरो के बीच संपर्क को बेहतर बनाने की एक प्रणाली है। यह टेलीविजन प्रसारण के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया एक संचार उपग्रह है। इसका उद्देश्य डेटा स्थानीयकरण में सहायता करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, इसका स्टेटमेंट केवल फर्स्ट सही है, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और इसरो के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए इसी वर्ष अंतरिक्ष में एक नई उपग्रह प्रणाली भेजने की योजना देश के साथ साझा की है। देखिए, इंडियन डेटा रिले सिस्टम नामक दो उपग्रह वाली इस प्रणाली का उद्देश्य इसरो को अंतरिक्ष में उपग्रहों से संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में जल और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में उप उत्पाद के रूप में जल का निर्माण होता है। इस प्रणाली में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, इसका केवल स्टेटमेंट सेकेंड सही है, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में संपन्न हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें अधिवेशन में पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डी नारायण राव ने हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजन बनाने के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना देखिए वर्ष 1914 में कोलकाता में की गई थी। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, जल का नहीं। देखिए, ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में जल एक उत्पाद के रूप में होता है। देखिए, परंपरागत बैटरी की भांति ही हाइड्रोजन ईंधन सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन जर्मनी ने चलाई है, जिसकी अधिकतम गति है 140 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अभी हाल ही के साल में 2019 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने टाटा मोटर्स के साथ मिलकर मार्च में भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पहली बस का संचालन किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस है जापान, निक्की, अमेरिका, नेस्डेस, सेंजेन, चीन, नॉर्वे, हैंगसेंग। देखिए, ये जो सारे हैं ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। देखिए, इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। देखिए, नॉर्वे का जो शेयर बाजार होता है वो है ओस्लो, और हांगकांग का जो शेयर बाजार होता है वो है हैंगसेंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य की आधिकारिक घोषणा वर्ष 1999 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकेंड, वो सही है। ठीक है, देखिए, महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 208 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इस अभ्यारण्य की आधिकारिक घोषणा वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1999 में की गई थी। देखिए, यहाँ बंगाल टाइगर की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। महादेव नदी, जिसे मांडवी नदी के रूप में जाना जाता है, गोवा राज्य की जीवन रेखा है। इसका उद्गम कर्नाटक में होता है और महादेव वन्य जीव अभयारण्य से होती हुई गोवा की राजधानी पणजी के पास अरब सागर से मिलती है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में शुरू किए गए पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? देखिए, इसका सही जवाब है अरुण भूमि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में किस राज्य ने टॉप किया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है गोताबाया राजपक्षे। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 2019 में फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्तर पर विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।